आपने जो दो तीन बार बताया मेरे को एस्टीमेट बनाया टेंडर ही कर दिए। अरे भाई टेंडर कर दिए इनको बता देना आप सरकार ने नहीं नहीं उसमें टेंडर कब हुआ टेंडर तो अभी चल रही है आ गई अखबार में खाली अपन एक लाइन ऑनलाइन देखा आ गई ना कितने काम आ गए इनके अभी आपको बता देंगे कि कौन कौन से अभी अभी रुक जाओ बता देंगे काम बहुत बुरी आप अभी बैठो आपको अभी जिनका विश्वास ही आपका विश्वास किसका नहीं देखो आप तो जनता के काम नहीं हो रहा इसलिए साहब के पास आई थी तो मैंने बोला साहब से कभी मेरे काम होना चाहिए साहब ने मेरे से बोला भी हो जाएगा आपके काम आप परेशान मत हो मैं करवा दूंगा पूरा काम रोडों का काम है पुलिया का काम है तो मैं चाहती हूँ पब्लिक चाहती है भाई हमारे सीसी रोड हो तो सीसी रोड के लिए मैं रुक रही हूँ। ये क्या वर्क ऑर्डर कह रहे भाई दे रखे पर काम नहीं हो रहे मेरे तो इसलिए मैं कह रही हूँ अब पता नहीं क्या क्यों रुक रही है क्या नहीं है कभी तो कहते रेत नहीं आ रही है कभी क्या है तो इसलिए रुक रहे आप कराए ये तो इनकी मर्जी क्या कोई राजनीतिक वजह है राजनीति तो आप किसको बताओ राजनीति तो बहुत बड़ी है क्या है क्या है अरे अब क्या करूँ राजनेता तो बहुत बड़े बड़े है बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ भाई राजनेता तो बहुत बड़े बड़े अब क्या 3.5 साल तो निकल ही गए मेरे 1.5 साल रोल निकल जाएगा काम होगा तो भी ठीक है नहीं होगा तो भी ठीक है किसने रुकवाए वो नाम तो बताइए अब क्या नाम बताओ किसने रुकाया पता नहीं कौन कौन है यहाँ तो बहुत सारे नेता है सभी रुकवाते हैं आपके काम बहुत सारे नेता रुका ही रहे और कैसा भी रुकवा रहे हैं मेरे काम आप तो और क्या निर्दलीय पार्षद हूँ जो भी तो नहीं हो रहा मेरा काम मैं बार बार में आती हूँ ठीक है भाई मेरा कोई कोई तो होगा मेरा माई बाप देखिए ये दक्षिण विधानसभा का मामला है मेरा मैं किसी के साथ पार्टी निर्दलीय इस आधार पर भेदभाव नहीं करता बतौर पार्षद एक आप उनकी पीड़ा है उन्हें आपके सामने रखी है ये सवाल तो आप यहाँ के विधायक जी से और सांसद जी से पूछो उनका आरोप है कि यहाँ के राजनीति यहाँ के नेता मेरा दक्षिण में हस्तक्षेप मैं करता भी नहीं हूँ आपने चेयरमैन साहब को कोई डायरेक्शन दिया हो मैं चेयरमैन साहब को दक्षिण के मामले में क्या डायरेक्शन दूंगा मैं तो मेरी विधानसभा की बात करता हूँ